साथियों हमारे साथ हैं श्री पीवी राजगोपाल, राष्ट्रीय समन्वयक एकता परिषद की ओर से। राजा जी, जन सत्याग्रह की ये जो जनसंवाद यात्रा है, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? जनसंवाद यात्रा एक साल तक चलने वाली एक यात्रा है। अब आज कन्याकुमारी में पूरे देश के 300 लोग इकट्ठे हैं और ये सब अलग अलग आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये संवाद यात्रा एक प्रकार भूमि के मुद्दे को ऊपर लाने का एक कार्यक्रम है, क्योंकि धीरे धीरे हर पंचवर्षीय योजना में भूमि का मुद्दा जो गायब होता जा रहा है। जहां हम कह रहे थे जोतने वालों को जमीन मिलेगा, अब तो हर न जोतने वालों को जमीन दिया जा रहा है और जोतने वालों से जमीन छीना जा रहा है। तो जीवन जीने का एकमात्र संसाधन 75% लोगों के लिए जो जमीन है, उस जमीन के साथ जिस प्रकार के खिलवाड़ चल रहा है देश भर में, उसको चुनौती देने के लिए यात्रा है। तो इस यात्रा में अलग अलग संगठनों के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़ेंगे, जो मानते हैं कि विकास का ये जो दौर है ये वास्तव में विनाशकारी विकास है। इसमें से हर एक आदमी के साथ हाथ से जल जंगल जमीन छीना जाएगा, उस आधार पर लोग विस्थापित होंगे, उससे शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी। इसलिए लोग चाहते हैं कि दोबारा हम जमीन के मुद्दे को पटल में लाएं, टेबल पर लाएं और उसको डिस्कशन करने के लिए सरकार को बाध्य करें। और ये बहाना नहीं चलेगा कि हम कुछ ना कुछ करके लोगों को सबको पेट पालने के लिए राशन दे देंगे। इस बहाने के बदले हर एक व्यक्ति को जीने लायक जमीन देंगे। अब यहाँ दलित मूवमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वे मानते हैं कि डिग्निटी का जो सवाल है, अस्मिता का जो सवाल है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। आदिवासी भी मानता है हमारी अस्मिता जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर जमीन नहीं है तो हम तो ऐसे हैं कि बिना पानी के मछली जैसे हम उठा के फेंक दिए जाएंगे। तो ये जो सवाल है, इनको व्यापक स्वरूप देने के लिए, इन सब आंदोलनों को एक रस्सी में फिरोने के लिए और इन सबकी आवाज़ को एक साथ सरकार के सामने रखने के लिए जन संवाद यात्रा है, जो अंतिम में जन सत्याग्रह के रूप में परिणत होगा। 1,00,000 लोग ग्वालियर से दिल्ली की ओर चलेगा तो ये जन सत्याग्रह कहलाया जाएगा। राज जी, जन सत्याग्रह यात्रा के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या तैयारियां हो रही है, एवं ये जो 2 दिन का इस समय हमारा जो सेमिनार चल रहा है, इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? ये सेमिनार में बुद्धिजीवी लोग भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत बुद्धिजीवी लोग जो जमीन के मुद्दे पर सरकार को वर्षों वर्षों से समझा रहे थे, ऐसे लोग यहाँ हैं। भूमि के संघर्ष में लगे हुए हर प्रांत के लोग यहाँ हैं। इसलिए जल जंगल जमीन, जीवन जन जीने के संसाधन को सही ढंग से जनता में वितरित होना चाहिए मानने वाले बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए यहाँ कन्याकुमारी में इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और 2 संदर्भ है, एक तरफ यहाँ लोग बैठकर इस पर बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ युवा नेतृत्व के विषय में चर्चा करने वाले एक ग्रुप दूसरी तरफ काम कर रहे हैं कि नेतृत्व का विकास कैसे किया जा सकता है। और ये यात्रा जो है, इसमें हम सरकार पर दबाव बनाना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से और जनता के अंदर जागृति पैदा करना चाहेंगे। तो एक तरफ जनता के अंदर जागृति पैदा करना, संगठन को एक साथ लाना एक तरफ है, जिसको हम संगठनात्मक काम मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बनाना भी उतना जरूरी है। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि मांगने से जमीन नहीं मिलेगा, उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो एक है सरकार नीति नियम के माध्यम से जमीन की समस्या हल करें, दूसरा है कि लोग निराश होकर, परेशान होकर अहिंसात्मक तरीके से जमीन पर कब्जा करना शुरू करें। और उससे आगे भी कई ग्रुप्स काम कर रहे हैं जिनके साथ हमारी सहमति नहीं है, जो कहते हैं बंदूक के दम पर भी जमीन की समस्या हल हो। लेकिन हम चाहते हैं कि बंदूक के पहले लोगों के प्रयास से, लोगों के अहिंसात्मक आंदोलनों के माध्यम से समस्या हल हो। उसके लिए सरकार की बहादुरी इसमें है कि सरकार इस प्रकार के आंदोलनों से, इस प्रकार के प्रयासों से बात करना सीखे। अगर बात करेंगे नहीं तो हम सब लोग अपने काम से निराश होंगे, अहिंसात्मक आंदोलनों को धक्का लगेगा और फिर हिंसा में विश्वास करने वाले लोग कहेंगे देखिए हमने पहले ही कहा अहिंसा का कोई कीमत नहीं है, इस देश में तो हिंसा ही चलेगा। तो हिंसा बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ सरकार न करें, अहिंसात्मक तौर तरीके से आंदोलनों के माध्यम से जनता के आवाज़ को सुन के समस्या हल करने के लिए सरकार तैयार हो, तो हम मानते हैं कि प्रजातंत्र ताकतवर बनेगा, कि लोग अपने बात से अपने द्वारा चुने हुए लोगों को समझा सकें। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? उसके लिए आंदोलन भी बहुत बड़ी बात है,
हिंसा की ओर जाने का मौका ही नहीं होना चाहिए। राय जी, जन समाज और जन समुदाय जो राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लोग हैं, देश के लोग हैं, क्या युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए कोई संदेश आपकी ओर से जन सत्याग्रह के लिए? जी, जन सत्याग्रह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी प्रकार के लोग भाग ले सकते हैं। वास्तव में अहिंसात्मक आंदोलनों की विशेषता क्या है, यह है कि सभी प्रकार के लोग भाग ले सकते हैं। जो शारीरिक रूप से कष्ट में है वे लोग भी अक्सर भाग लेते हैं। थोड़ा चलने में दिक्कत है तो वो साइकिल से चलता है, लकड़ी से चलता है, अंधा हो तो भी दूसरों के कंधा पकड़ के चलता है। तो ये अहिंसात्मक आंदोलन की विशेषता है कि इसमें सभी प्रकार के लोग भाग ले सकते हैं। इसलिए पढ़े लिखे युवाओं को संदेश ये है कि देखो, पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई बाजार में अपने बुद्धि बेचने का एक चीज़ न बनाओ। पढ़ाई लिखाई का उपयोग इस देश के वंचित और पीड़ित जनता को मुक्ति दिलाने के रूप में इस्तेमाल करो। तो पढ़े लिखे युवाओं के आज ये भूमिका बननी चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप बढ़ चढ़ के भाग लिया और देश को जगाया, भ्रष्टाचार के विरोध में जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया, उसी प्रकार जीवन जीने के संसाधनों के सही बंटवारे के मुद्दे पर भी पढ़े लिखे युवाओं को साथ आना चाहिए। ग्रामीण युवाओं को अब ये उम्मीद छोड़ के कि हम तो निराश होकर बैठ गए हैं, अब तो हम कहीं ना कहीं पलायन करके पेट भर लेंगे, इस मुद्रा को छोड़ के इसमें जुड़ना चाहिए बड़े पैमाने पर कि देखिए, अब हम अहिंसात्मक आंदोलनों के साथ जुड़ेंगे ताकि हिंसा हमारे गांव तक ना आ जाए। तो नौजवानों को खड़ा होने का समय है कि न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए, और उसमें महिलाओं की भूमिका है ही, क्योंकि पूरे जल जंगल जमीन के अभाव में सबसे ज़्यादा तकलीफ पाने वाले लोग महिला लोग हैं। क्योंकि अगर पानी नहीं है तो उनको 2.5 किलोमीटर से पानी लाना है, अगर जलाऊ लकड़ी नहीं है तो उन्हें फिर जंगल में जाकर फॉरेस्ट गार्ड की गाली सुननी है। तो महिलाओं की भूमिका इसमें जबरदस्त है, क्योंकि परिवार चलाने वाले महिला हैं, इसलिए जल जंगल जमीन का अभाव सबसे पहले महिलाओं के ऊपर प्रभाव करती है। इसलिए ये ऐसा मुद्दा है जिसमें शहरी युवा भी जुड़ें, गाँव के युवा भी जुड़ें, महिला भी जुड़ें, बच्चे भी जुड़ें, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा, वो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक मुद्दा जल जंगल जमीन हो जनता के अधीन और समाज के अधिकार के आधार पर जल जंगल जमीन की मसला हल हो और उसे गरीबी उन्मूलन का संपूर्ण क्रांति उसमें से निकले, ये जो बात है ये सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है, एक समाज के लिए नहीं है, संपूर्ण भारत के शांति के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि लैंड फॉर पीस, लैंड फॉर जस्टिस, लैंड फॉर लाइफ। अगर जीवन जीना हो तो जमीन चाहिए, शांति के लिए जमीन का सही वितरण चाहिए, और न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था के लिए हमारे पास जो संसाधन है उसका सही वितरण होना चाहिए। इसलिए ऐसे एक बड़े स्लोगन के साथ हम लोग आगे चले हैं और उम्मीद है कि लाखों करोड़ों लोग इसके साथ जुड़ेंगे और इस अभियान के सामने सरकार को झुकना होगा और न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था में जल जंगल जमीन की हिसाब किताब करना होगा।